ओडिशा के बालासोर में दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के इस दर्दनाक ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 260 के पार पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इस दुर्घटना में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बचाव कर्मी फंसे लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 जून की रात ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली थी, जिसे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। ये अपने समय से 3.5 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची, जिसका अगला स्टेशन बालासोर था, जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से 7:52 मिनट पर पहुंचने वाली थी। वहीं ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 मिनट से हावड़ा से रवाना हुई थी, जो कि 3 जून को शाम 4:50 मिनट पर चेन्नई सेंट्रल पहुंचती। यह अपने नियत समय पर 6:37 मिनट पर बालासोर पहुंची। इस ट्रेन का अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को शाम 7:40 मिनट पर पहुंचना था, लेकिन 7 बजे करीब दोनों ट्रेन शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन के पास से आमने सामने से गुजरी, तभी ये भयावह हादसा हो गया। इस दुखद दुर्घटना से पहले भी कोरोमंडल ट्रेन हादसे का कई बार शिकार हुई थी। आइए जानते हैं कि कब कब कोरोमंडल ट्रेन हुई दुर्घटना की शिकार। 3 फरवरी 2009 को ओडिशा के जाजपुर जिले में ट्रैक बदलते समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। संयोग से उस दिन भी शुक्रवार ही था। वहीं 15 मार्च 2002 को दोपहर में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसके 7 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 100 यात्री घायल हुए थे। 14 जनवरी 2012 को ओडिशा के लिंगराज स्टेशन के पास इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में आग लग गई थी। अब चलिए जानते हैं कि इससे पहले देश में इतना भयानक ट्रेन हादसा कब हुआ था, जिसमें काल के गाल में समा गई थी जिंदगियां। 6 जून 1981 बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी। हादसे में 750 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था। 20 अगस्त 1995 फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में 305 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2 अगस्त 1999 ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे की कटिहार डिवीजन के कैसल स्टेशन पर खड़ी अवध एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई, जिसमें 285 से अधिक लोग मारे गए थे। 26 नवंबर 1998 जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेंपल मेल की पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी, जिसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल आधुनिक होती भारतीय रेल में पूरी तरह से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है, जिससे इस प्रकार के हादसों पर विराम लग सके। लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इन हादसों पर विराम कब लगेगा, ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह अब भी जस का तस खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।